हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द वन टू इन्फिनिटी। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर एक अच्छा खासा न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है। आप लोग देख रहे हो, हम अभी वेस्ट बंगाल पुलिस के ऑफिशियल साइट पर हो और रिक्रूटमेंट क्या है आप लोग देख लीजिए। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर सपोर्टर पर्सनल डाटा एंट्री ऑपरेटर इन इंटेलिजेंस ब्रांच। तो क्या इस रिक्रूटमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो शुरू से लेकर शेष तक जरूर देखिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिस इंटेलिजेंस ब्रांच वेस्ट बंगाल। तो एडवाइज नंबर आप ऊपर पर लिखा है, तो आप लोग नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए। यहाँ पर जो लिखा है नंबर ऑफ पोस्ट सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पर लिखा है एज कितना होना चाहिए, 21 से आपका 45 माने 45 ईयर होना चाहिए। एडुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास इन MCA, उसके बाद फर्स्ट क्लास MSc इन IT, उसके बाद फर्स्ट क्लास BE इन IT, और उसके बाद 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपर इन गवर्नमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन MNC। इसकी जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है, और जो पर मंथ सैलरी है आपको 30,000 मिलेगा पर मंथ सैलरी इस जॉब के लिए। नेक्स्ट आते हैं आपको, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर में कितना जो ये है आपका एज होना चाहिए, वो है 21 से लेकर 45 है सॉफ्टवेयर डेवलपर पर। यहाँ पर डिग्री जो है सेम है, और यहाँ पर जो वैकेंसी आपको आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है। यहाँ जो सैलरी है पर मंथ है 25,000 मिलेगा आपको पर मंथ सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सॉफ्टवेयर सपोर्टर पर्सनल SSP, उस वो जो एज जो है वो सेम एज है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको होना चाहिए इस जॉब के लिए, आप लोग देख रहे हो इस जॉब के एडुकेशन के लिए PG DCA और BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आप लोगों का। और उसके बाद जो इस जॉब की जो वैकेंसी है वो टोटल 4 वैकेंसी इस जॉब के लिए। सैलरी जो मिलेगा पर मंथ आपको 16,000 मिलेगा पर मंथ सैलरी। और उसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप लोग कोई भी कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो जो ग्रेजुएशन किया है। इस जॉब के लिए जो एज है आपको 21 से 45 साल होना चाहिए, और जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस जॉब के लिए ग्रेजुएशन विथ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया है वो कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस जॉब के जो टोटल वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी है इस जॉब की है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। टोटल 10 वैकेंसी है, और जो सैलरी मिलेगा आपका पर मंथ वो 11,000 मिलेगा आपका। वैकेंसी 10 है और 11,000 सैलरी मिलेगा आप लोगों को। और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो www.police.wb.gov.in इस साइट पर जाना होगा। जाने के बाद आप लोग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो इस फॉर्म को, और इस फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए जब अप्लाई करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, तो क्या क्या देना पड़ेगा उस फॉर्म के साथ साथ आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मेंशन किया है, फर्स्ट नंबर जो है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड और माध्यमिक और रिक्वायरमेंट एज प्रूफ हिसाब है। और तीसरा नंबर जो है ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एज प्रूफ फॉर रेसिडेंशियल एड्रेस, ये आपको देना है। लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन आप लोग 10/7/2019 को आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को जिस पोस्ट का अप्लाई करोगे, जो इन फॉर्म में आपको एनवेलप में आपको अप्लाई करोगे उसके ऊपर आपको लिख देना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया है जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करोगे। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पर फॉर्म भी दिया है, फॉर्मेट क्या है वो भी आप लोग देख सकते हो। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।